हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय सैंड पैन व्यू ब्लॉग चैनल। हमारे घर पे मामा का लड़का है, मेरा भतीजा है, उसका शादी फिक्स हो चुकी है 16 दिसंबर को पुणे में। तो आज से हम लोग का छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। आज तारीख 10 दिसंबर है। आज के 7 दिन के बाद शादी होगा मेरे भाई मेरे कज़न का। तो आज है हम लोग बाहर का भगवान का पूजा करते हैं। बाहर का भगवान का पूजा होता है, मतलब बाहर का भगवान होता है तो उसका ऐसे घर पे ही, तो कुछ बाहर का पीपल का झाड़ या कोई झाड़ लेके आके छोटा सा उसका वो लग के उसको चिकन मटन का नैवेद्य देते हैं और बाहर से फिर उसको हम लोग नेक्स्ट डे पे उसको बाहर से ही बाहर लेके जाते, घर के अंदर हम लोग लेके नहीं आते। तो उसके लिए बाहर का भगवान का पूजा होता है। आप देख लीजिए, छोटा सा पूजा किया हुआ, छोटा था, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ था, छोटा सा पूजा होता है। आप देख लीजिए, आपको बताता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, छोटा सा ही है पूजा, ये होता है। ये पीपल का झाड़ है यार, ऐसे मट्टी ऐसे पाँच पार्ट किया हुआ है, भाग किया हुआ है। और ये चिकन मटन का नैवेद्य है, चना है ऐसा, और ये आटे का बत्ती बनाते हैं तो उसे हम लोग उसका पूजा होता है। अरे ये देखो, हमारा नवरदेव है, मेरे मामा का लड़का है, नवरदेव है तो ये पूजा कर रहा है, इसी के हाथ से पूजा होता है सब। ये वो नवरदेव की बहन, ये नवरदेव की मम्मी है, नवरदेव की मम्मी, ये नवरदेव, अरे ये मेरी बेटी है क्यूट सी, देखो, अरे मेरी वाइफ है जो अंदर भाग रही है शर्मा के, ठीक है। ये मेरी मामी है, बहुत बड़बड़ती है मेरा संतोष, तो उसको छुपी नहीं रहती है, ठीक है। नवरदेव की मम्मी है, मैं पागल हुआ, ये भी पागल कर मत, इसका मेरा हो गया, इसका जब भी है उम्र, देखो बहुत है, देखो बोलती रहती है देखो देखो देखो, वाइफ कॉल करने के लिए आ रही है। ये क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? देखो कुछ भी बोलती, चालू होने से पहले सब्सक्राइब बोलती है, ऐसा नहीं होता है ना, कोई भी उनकी पसंद वो कर लेंगे, सब सब्सक्राइब कर लेंगे। ये अभी ऐसे फिर घर का बाहर का पूजा होने के बाद, बाहर का भगवान का पूजा होता है, उसके बाद में घर का फिर साफ सफाई स्टार्ट हो जाता है। एक ही दिन में साफ सफाई करके फिर उसके बाद में फिर अगला प्रोग्राम आपका बताते जाऊँगा बीच में, ठीक है। तो टिल देन वॉच इट, बाय। हमारा नेक्स्ट डे का प्रोग्राम चालू हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सुहागन को घर पे बुला के उनको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद फिर उनको बांगड़ी पहनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब खाना भी खा रहे हैं। अभी नेक्स्ट खाना खाने के बाद उनको बांगड़ी भी पहनाना चालू करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, चालू भी हो गया हम लोग का प्रोग्राम बांगड़ी पहनाने का। यहाँ पे दूसरा फंक्शन चालू हुआ हम लोग का बंगड़ी पहनाने का। और यहाँ पे कार्ड भी बांट रहे हैं, शादी का कार्ड, ठीक है। वेलकम बैक टू सैंड पैन वी ब्लॉग चैनल। आज से हल्दी और कल शादी है मेरा छोटा भाई का, तो उसी के लिए आज सब हल्दी खेलने वाले हैं शाम के बाद। अरे अभी छोटा सा वो काला मनी बोलते हैं ना, शादी से पहले सब औरत लोग मिलके उस धागे के अंदर काला मनी डाल के मंगलसूत्र बनाते हैं, सब उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और आज शाम को 4 बजे के बाद हल्दी हम लोग करने वाले हैं।
और कल सुबह 6 बजे हम लोग बस पकड़ के पुणे जाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लोग हमारी फैमिली क्या कर रही है, सब धागा के अंदर काला मनी, सब औरत लोग सब जो सुहागन होते हैं वो सब काला मनी धागा के अंदर डाल के उसका मंगलसूत्र बनाते हैं। ऐसे सब हल्दी के कपड़े भी डाल के रेडी आधे लोग, क्योंकि हल्दी खेलने वाले हैं सब। छोटे मोटे सब फेस्टिवल होने वाले हैं, रसम बोले फेस्टिवल रसम होने वाले हैं। आपको ऐसे ही अपडेट करते रहूँगा चैनल पे, ठीक है? टिल देन वॉच इट। यहाँ पे हल्दी का रसम चालू हो चुका है, अभी सब लोग हल्दी, ये लड़के को हल्दी लगाना चालू हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। हल्दी लग गए लड़के को, उनकी बहन हल्दी लगा रहे हैं। दूसरी बहन उनको हल्दी लगा रही है, वो पहली बड़ी बहन की छोटी बहन है। अब ये मेरी मम्मी हलत भी लगाने के लिए आई है।
इधर लो, इधर बैठ।
सब यहाँ पे खाई खाई लड़कियों को लगाने के लिए हल्दी, फोटो खींचने नहीं दे रहे लोग। हाथ काटना रे इतना बस। ये तेरा कापा लग रहा है पापा, मतलब पीछे जाने के लिए काट लेगी। देखो लड़का कितना शिवर कर रहा है, शिवरिंग हो रहा है, हिल रहा है ठंडी की वजह से। देखो लड़की की खुशी, शादी हो रही है, लड़का बहुत खुश है। ऐसी खुशी होनी चाहिए शादी में। सड़क देखो
Moments later. Thank you.
Yeah.
गोड़ कंगन गोड़ देगा कर ले ये थोड़ा अर्पिता नव्या यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो इतना मस्ती कर रही है जी कम बहुत चुना है मानव के कारण में और इसी तरह ये मेरा क्या बोलते हैं इसको हल्दी का रसम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट डे के लिए शादी के लिए हम लोग जाने वाले हैं। चलो शादी में मिलते हैं।